हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज यूनिट 23 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन और द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। दैट इज इज प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप जो भी विश कर रहे हो उस विश की पूरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने चांस हैं उस विश को पूरा होने के, ये फाइंड आउट करने को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है पीई। पीई मींस प्रोबेबिलिटी इवेंट। इवेंट मींस जो भी आपकी विश है उसे हम इवेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स मींस कि आपके विश होने के चांस कितने हैं और टोटल चांस कितने हैं, टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उसे हम अपॉन में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स। कि हमने एक कॉइन को 200 टाइम्स टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हेड कितने टाइम्स है आपका, 72 टाइम्स, एंड टेल इज 128 टाइम्स, यही है। अब फाइंड क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, हेड की और टेल की। नाउ सॉल्यूशन इज दिस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब देखो ट्रायल्स कितने हैं आपके, टोटल टॉस जो कॉइन है उसे टॉस कितने टाइम्स किया है आपने, 200 टाइम्स, तो ट्रायल्स कितने हो गए आपके, 200। हेड कितने टाइम्स आया है आपका, 72 टाइम्स। टेल कितने टाइम्स है, 128 टाइम्स। अब फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, हेड फाइंड करना था, दैट इज मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी हेड की। तो देखिए अभी फॉर्मूला जो पीछे बताया था, पी और ई लिखा हुआ था, ई मीन्स इवेंट, दैट इज मीन्स आपको हेड चाहिए, तो वही लिखा पी गेटिंग अ हेड। ई में वही विश लिखेंगे जो आपको चाहिए, तो फर्स्ट विश में क्या चाहिए था आपको, हेड, तो पी गेटिंग अ हेड इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम जो अभी आपको बताया था लास्ट पेज पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो हेड कितने टाइम्स आया है आपका, 72 टाइम्स, और कॉइन को टॉस कितने टाइम्स किया है आपने, 200 टाइम्स। दैट इज मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया आपका, 72 अपॉन टोटल आउटकम्स 200। दैट इज मीन्स 72 अपॉन 200 क्लॉप्स हो रहे हैं किससे, 2 से, 2 वन जा 2 100, एंड 2 3 जा 6 2 6 are 12, दैट इज 36 upon 100। दिस अब 36 upon 100 अगेन क्लॉप्स हो रहे हैं किससे, 2 से, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 से 50 टाइम्स अगेन क्लॉप्स हो रहे हैं, 2 9 जा 18 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, दैट इज मीन्स दिस 9 upon 25। दिस इज योर आंसर। That is means probability head आने की probability क्या हो गई आपकी, 9 upon 25। Okay? Now second point, tail. अब P getting a tail formula same pattern से, number of favorable outcomes upon total outcomes। अब देखिए tail कितने times है आपका, tail 128 times upon 200। अब देखिए क्लॉप्स हो रही हैं डिजिट्स, इन्हें क्लॉप्स करेंगे, 2 से क्लॉप्स हो रहे हैं, 2 6 are 12 2 4 are 8 100 6400। अब ये भी क्लॉप्स हो रहे हैं, 2 3 are 6 2 2 are 4 50, ये भी डिजिट्स क्लॉप्स हो रही हैं, 25 16। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 upon 25। दिस इज योर आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन होती है 1 से, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन होती है 1 से। प्रोबेबिलिटी आपकी ऑलवेज 1 से छोटी होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपसे क्या कहा, एक डाइस है 200 टाइम्स उसे थ्रो किया है, तो डाइस में क्या क्या आउटकम्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यही है कि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 आया था 21 टाइम्स, 2 30 टाइम्स, 3 42 टाइम्स, 4 35 टाइम्स, 5 32 टाइम्स एंड 6 40 टाइम्स। ओके, अब आपसे कहा है फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी 3 की, 5, 6 कि 3 को फाइंड जो आप करोगे प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर कैसे होगा, क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में ही टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं आपके, 200। फर्स्ट पॉइंट पी गेटिंग अ 3, आपको वही बताया था, फिर बार बार ध्यान से बताया जा रहा है, पी ई ई मीन्स इवेंट जो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड कर रहे हो, 3, तो पी गेटिंग आ 3 फॉर्मूला लिख दिया आपने। अब देखिए कि जो आपका 3 है वो कितने टाइम्स आया है टेबल में, 3 में टेबल में 3 कितने टाइम्स है, 42 टाइम्स, तो दैट इज मीन्स जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हो गया 42 अपॉन जो टोटल आउटकम्स हैं, कितने टाइम्स आपने कॉइन को टॉस किया है, 200 टाइम्स। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, 42 अपॉन 200, क्लॉप्स हो रहे हैं, क्लॉप्स करेंगे, क्लॉप्स करके क्या आउटकम्स आ जाएगा, 21 अपॉन 100। सेम पैटर्न देखिए, सेकंड पॉइंट में पी गेटिंग 5, आपको सेकंड पॉइंट में यही था गेट 5 फाइंड करना है, पी गेटिंग 5 फॉर्मूला लिखा आपने, 5 आउटकम्स देखिए कितने टाइम्स हैं, 32 टाइम्स, तो आप क्या लिखेंगे, 32 अपॉन टोटल आउटकम्स 200, क्लॉप्स हो रहे हैं, 32 अपॉन 200 क्लॉप्स कर दीजिए, 8 से 8 फोर 32 और 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 200 में 25, दिस इज योर आंसर। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में यहाँ गेटिंग अ 40 हो गया है बाई मिस्टेक, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर आएगा पी गेटिंग 6। अब देखो 6 आपने कितने टाइम्स है, 40 टाइम्स, तो आप क्या लिखेंगे, 40 अपॉन 200 क्लॉप्स हो रहे हैं, क्लॉप्स कर दीजिए, 10 अपॉन 5 अगेन क्लॉप्स हो रहे हैं, 1 अपॉन 5 दिस इज योर आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस कि आप जो भी वर्क कर रहे हो, आप पहले से सोचते हो मैं ये वर्क कर सकता हूँ, या ये आज सोच कहोगे कि आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की चांस क्या है, हर चीज़ के होने के चांसेस होते हैं, उसी चांस को जो हम फाइंड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अ सर्वे ऑफ 170 गर्ल्स शोड दैट 73 लाइक टी, एक हमने सर्वे किया 170 गर्ल्स पर, उसमें क्या था, 73 गर्ल्स को टी पसंद है एंड बाकी की गर्ल्स डिसलाइक करती हैं टी को, टी उन्हें पसंद नहीं है, तो क्या कहा है कि हमने उसमें से कोई भी एक गर्ल्स चूज़ करनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो गर्ल्स आएगी चूज़ करके वो टी को पसंद करती है या टी को डिसलाइक करती है, तो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। टोटल गर्ल्स कितनी है आपकी, 170, तो लिखेंगे टोटल गर्ल्स इक्वल्स टू 170 एंड लाइक टी 73, तो लाइक कितनी टी को कितने गर्ल्स करती है, 73, डिसलाइक टी के लिए क्या करेंगे कि टोटल गर्ल्स हैं 170 और लाइक करती है 73, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो डिसलाइक टी आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आउटकम्स क्या आएगा आपका, 97। फर्स्ट पॉइंट अब लाइक टी था, तो पी चूजन गर्ल्स लाइक टी, चूजन गर्ल्स लाइक टी, ये लिख दिया इवेंट में, फॉर्मूला आपका वही सेम था। अब देखो चूजन गर्ल्स लाइक टी, लाइक टी को कितने करती है, 73, तो 73 अपॉन 170, दोनों डिजिट्स किसी एक टेबल से क्लॉप्स हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो यहीं ड्रॉप कर दीजिए। सेकंड पॉइंट,
डिसलाइक टी, यहाँ पर लाइक टी लिख गया है बाई चांस बाई मिस्टेक, डिसलाइक टी है, डिसलाइक टी डेट इज मीन्स डिसलाइक टी। कितनी गर्ल्स डिसलाइक करती हैं? 97। तो आप क्या करेंगे? 97/107। सिंपल यही है पैटर्न, और कोई पैटर्न नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आज आपके असाइनमेंट में दे रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, वो मेरे नंबर्स पर कॉल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बस इतना मिस्टेक हुआ है, यहाँ लाइक टी के प्लेस पर डिसलाइक टी होगा, डिसलाइक। ओके, फिनिश। प्लीज बी हैप्पी, स्टे होम, बी हैप्पी।